तो मेरा करीबन 12 से 14 हज़ार का बिल आता था महीने का। अच्छा, दो एसी चलाते हुए। आज की डेट में यहाँ 1200 कुछ का बिल आता है। दोस्तों, आज की जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है एक 8 किलोवाट का सोलर प्लांट। आज हम इसके रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। तो जिनके यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये हमारे साथ सर है जी, राकेश जी, ये वाला जो प्लांट है इसका आउटपुट इनको क्या मिल रहा है, हम एक एक बात इसकी आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि ये अक्सर ही देखा जाता है कि हम नए की वीडियो तो बना देते हैं कि इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद तो इसकी जो आउटपुट है ये भी आपको जाननी लाजमी है। आज हम इनके रिव्यू लेंगे जिनके जहां पर ये लगा हुआ है। जी नमस्कार सर, आपको ये लगाए हुए कितने साल हो गए हैं? मेरे को तो अभी ये लगाए हुए 8 या 9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए हैं। सर, इससे पहले आपका जो बिजली का बिल है वो कितना आ रहा था? मैं इस यहाँ पे तो डे वन से सोलर चला हुआ है, लेकिन मैं चंडीगढ़ में रहता था, तो मेरा करीबन 12 से 14 हज़ार का बिल आता था महीने का। अच्छा, दो एसी चलाते हुए। आज की डेट में यहाँ पे मेरे को सिर्फ फिक्स्ड एक्सपेंसेस का बिल आता है, जिसमें रेंट है, मीटर रेंट है और फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, 1200 कुछ का बिल आता है एक महीने के बाद। तो सर, वैसे बाजार में काफ़ी कंपनी है अलग अलग, तो आपने जैक्सन ही क्यों चूज किया? जैक्सन मैंने इसलिए चूज किया है कि इनकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। मार्केट में के भी चलते हैं, मॉड्यूल्स, वो क्या करते हैं, एक जगह से मॉड्यूल लाते हैं, एक जगह से इन्वर्टर लाते हैं और फिर बना लेते हैं। कल को मॉड्यूल खराब होता है तो उस कंपनी के पास चला जाओ। हाँ जी। यहाँ टर्न की प्रोजेक्ट दिया है जैक्सन ने, जिसके अंदर मैं इन्होंने आफ्टर सेल सर्विस पूरे सिस्टम को दी है। 25 साल की वारंटी मॉड्यूल्स के लिए है, 7 साल की इन्वर्टर के लिए है। तो अभी ये जितना भी आपका प्लांट है, जैसे ये पैनल हो गए हैं जी, और उसके बाद जो ग्रिड टाई इन्वर्टर है, जहाँ जितना भी सामान है वो सभी जैक्सन का आपने सारा जैक्सन का लगा? ठीक है जी। ये है इन्वर्टर, जैक्सन का लिखा है इसके ऊपर, और वही भी इसके 3 फेज है। ठीक है जी। ये एसी डीबी बॉक्स है, ये डीसी डीबी बॉक्स है। यहाँ से डीसी आती है, इस बॉक्स में चली जाती है, इन्वर्टर में इसको कन्वर्ट कर लेता है एसी में, और यहाँ से हमारी लाइन इस पाइप के थ्रू एक्सपोर्ट हो जाती है, इस केबल के थ्रू एक्सपोर्ट हो जाती है। ठीक है जी। और वो फिर ग्रिड नीचे लगा हुआ है, ग्रिड की तार में चला जाता है। और हमारी बिल इम्पोर्ट कितना हम करेंगे, एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा होगा, तो हमारे यूनिट्स जमा ही रहते हैं बिजली बोर्ड के पास। ठीक है जी। जो गैल्वनाइज्ड आयरन की स्टैंडिंग्स है, वो भी जैक्सन ने ही जैक्सन की प्रोवाइड है। बात मैं और शेयर करना चाहूँगा, ये जो जीआई स्ट्रक्चर है, गैल्वनाइज आयरन स्ट्रक्चर, जो इसके फास्टिंग्स है, वो नट बोल्ट्स जो है वो एसएस के बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एसएस के बने हुए हैं, इनमें रस्ट नहीं लगता है और इसकी लंबी आयु होती है, 25 साल तक कहीं नहीं जाते ये। तो 25 साल तक स्ट्रक्चर की, 25 साल तक पैनल की वारंटी है अपने पास। कल को अगर कोई जनरेशन तो थोड़ा थोड़ा कम होती जाएगी, एनुअल डिग्रेडेशन होगा, लेकिन मॉड्यूल में जो उसकी पूरी वारंटी है हमारी। अगर मॉड्यूल ख़राब हो जाता है तो जैक्सन की तरफ से वो बदल दिया जाएगा 25 साल के अंदर। तो सर, इसमें आपकी कितनी कॉस्ट आई थी? हाँ, इसकी कॉस्ट आई थी मेरे 8 किलोवाट की 3.80 लाख्स। ठीक है। 3,80,000। ठीक है जी। लेकिन जब मैंने लिया था तब जीएसटी की रेट कम थी। हाँ जी। और ये 3,80,000 जो मैंने इन्वेस्ट किए, ये मैं 3 साल के अंदर अंदर रिकवर करूँगा बिजली का बिल ना देने से। ठीक है। उसके बाद मैं बिजली अपनी फ्री है, प्लांट भी अपना फ्री है। इसके अंदर मैं जैसे प्रोजेक्ट कैपेसिटी है 8.1 किलोवाट की है, रूफ टॉप ग्रिड कनेक्टेड है ये, इसमें बैटरी सिस्टम नहीं है। लोकेशन मेरा घर है R19 पे। मॉड्यूल रेटिंग पर मॉड्यूल 4.5 वाट पीक जैक्सन मोनोक्रिस्टलाइन का है, और इन्वर्टर टाइप 8 किलोवाट का ग्रिड टाइड स्ट्रिंग इन्वर्टर है। माउंटिंग स्ट्रक्चर गैल्वनाइज स्ट्रक्चर जो जैक्सन ने बनवाया है, 2 स्ट्रिंग्स है और टोटल मॉड्यूल्स 20 है। तो ये जो इंस्टॉलेशन टीम थी सनरेक्स इंजीनियर्स, जो चैनल पार्टनर है जैक्सन का, इन्होंने करवा लिया। ठीक है।
ये जैक्सन सनरेक्स ने मिलके बनाई है। ठीक है, इसमें ये लिखा गया है कि मैसेज है, मैसेज ये है कि दिस हाउस रन्स ऑन सोलर एनर्जी। ठीक है, तो लोग जब इसको देखते हैं उनको पता चलता है हमने सोलर प्लांट लगाया हुआ है। ठीक है जी, तो आप अभी सेटिस्फाई है से? मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, और लोगों से जो दर्शक है वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आप सोलर प्लांट अवश्य लगाओ और दो तीन जगह से कोटेशन ले लो, और साथ में जैक्सन की भी कोटेशन ले लो, उनकी कंपेयर कर लो। इनके जैक्सन पूरे पंजाब में इनके चैनल पार्टनर्स हैं, तो उनके साथ आप कोटेशन ले लो उनसे, और आफ्टर सेल सर्विस पे ज़्यादा दो, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ भी जाती है इनिशियल स्टेज पे, हमारा पी बैक पीरियड तो 3 to 4 years में ही रहता है। जितना मैं बिजली का बिल दे दूंगा 4 साल में, उतने में प्लांट लग जाता है। सबसे ज़्यादा नंबर मैं जैक्सन को इसलिए देता हूँ क्योंकि उनकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया है। सर, जब से ये लगा है तो इसमें कोई फॉल्ट आया है तब से? एक बारी 3 दिन के लिए फॉल्ट आया है, वो भी ग्रिड की वजह से हुआ है। अच्छा। जो कि जैक्सन या सिस्टम का नहीं रीज़न था PSPCL का ग्रिड सिस्टम में। इसमें एक चीज़ और ये है कि इलेक्ट्रिसिटी तभी एक्सपोर्ट होएगी जब पावर होएगा। हाँ जी, तो जब भी शटडाउन रहता है ग्रिड की तरफ से तब इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है। वो तो बहुत कम बार है, वो तो जब जब लाइट चली जाती है तब तब होता है। 1 किलोवाट की कितनी आपने यूनिट देखी होगी, कितनी निकलता ऐसे है? बरसातों आजकल बरसातें चल रहे हैं। हाँ जी, और 4.5 यूनिट्स पर किलोवाट पर डे का एवरेज आ रहा है बरसातों में। और जब मार्च का मौसम होता है, हाँ जी, जब टेम्परेचर भी थोड़ा कम होता है और धूप खिली होती है, हाँ जी, तो तब 5.5 तक भी चला गया। अच्छा जी, पर किलोवाट पर डे। तो इसके लिए आपको कैसे पता चलता है कि? मैंने मॉनिटरिंग सिस्टम रखा हुआ है। अच्छा जी, तो इनके पास जो जैक्सन का सिस्टम है, वी कैन एक्सेस दिस रिमोट एरिया फ्रॉम अब्रॉड और फ्रॉम एनी प्लेस थ्रू इंटरनेट। तो इंटरनेट से इनका सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है और हम इसको पूरी तरह से देख सकते हैं कि जनरेशन कितनी हुई कितनी नहीं हुई, और हमें पता लगता है कि फॉल्ट कब है, क्यों है, और उसके रीजंस। फिर हमारी पीछे की टीम जो आफ्टर सेल सर्विस टीम है, दैट इज़ एट द बैक एंड। तो मैं जहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके जो सोलर पैनल है ये बहुत साफ है। हाँ, अक्सर ये देखा जाता है कि काफ़ी गंदगी जमी रहती है, क्या आप रोज इसको साफ करते हैं? नहीं, मैं रोज़ नहीं करता हूँ, ऑल्टरनेट डेज के ऊपर साफ करता हूँ। मैंने एक 0.5 HP का एक टुलू पंप रखा हुआ है जो कि टैंकी के साथ जोड़ा हुआ है मेरी, इसकी नोज़ल। अच्छा, जिससे ये वॉश कर देता हूँ मैं हर अल्टरनेट डे पे। ठीक है जी, तो इससे क्या रहता है, इसे क्लीनलीनेस रहती है, जनरेशन बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है, सही है। लास्टली मैं जैक्सन की टीम को और सनरेक्स की टीम को धन्यवाद कर देना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरा प्लांट चुना है, क्योंकि ये सबसे प्रोग्रेसिव प्लांट चल रहा है मेरे, ताकि ये जो प्लांट ओनर की बात है लोगों तक पहुंचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद जैक्सन का और सनरेक्स का, थैंक यू। अगर दोस्तों आपने मेरे पहले जो सोलर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी वो वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैं अक्सर ही ये बताता हूँ कि अगर आपने अपने घर के लिए या अपनी फैक्ट्री के लिए सोलर मॉड्यूल लेने हैं तो सबसे पहले उस कंपनी का आप बैकग्राउंड देखें कि कितनी पुरानी कंपनी है, क्योंकि कोई भी कंपनी है जो सोलर मॉड्यूल बनाती है आपको 25 साल की वारंटी कहकर बेच देती है। अगर वो कंपनी नई है या बाय चांस बंद हो गई तो आपको वो गारंटी वारंटी नहीं मिलने वाली। तो अगर हम बात करते हैं जैक्सन की, तो जैक्सन पिछले 75 साल से ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा है, और अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में जो टॉप 5 कंपनी है रूफ टॉप सोलर के लिए, उसमें से टॉप 5 में जैक्सन का नाम भी आता है। और अगर हम इसके मॉड्यूल की बात करते हैं तो जो इनका बड़े से बड़ा मॉड्यूल है जैक्सन का, वो 600 वाट तक का आपको सोलर मॉड्यूल मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने इनकी वेबसाइट और इनका व्हाट्सएप नंबर
स्क्रीन के ऊपर भी दे दिए हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, ज़्यादा जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं जी। आज की वीडियो हमारी इतनी थी, देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।